लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। लॉकडाउन में अपनी आजीविका खो चुके पथ विक्रेताओं के लिए सरकार ने शुरू की ऋण योजना। कितना कितना फायदा मिला इन योजनाओं का पथ और ठेले वालों को, जाना उनका हाल हमारे संवाददाता ने, देखिए यह रिपोर्ट। अपनी आजीविका खो चुके ठेले वाले, पटरी वाले, खोमचे वाले लोगों के लिए अपनी आजीविका को खो चुके हैं और पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ऋण देने के लिए हाल ही में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें वे सभी पथ विक्रेता जो अपनी आजीविका को खो चुके हैं उन्हें 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। ऐसे ही कई पथ विक्रेताओं से हमारे संवाददाता ने सीधी बात की और जाना उन सभी पथ विक्रेताओं का हाल। पथ विक्रेताओं का कहना है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है। कुछ वक्त विक्रेताओं का तो यह भी कहना है कि कई बार नगर निगम के चक्कर लगा लगा कर वापस लौट आए, लेकिन नहीं होती कोई सुनवाई। खास बात यह है कि ठेले वाले, खोमचे वाले, सब्जी वालों का जीवन पटरी पर नहीं है। इनके नगर निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं है। इन लोगों को ऐसे सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी तक नहीं है। देखिए फिरोजाबाद से हमारी संवाददाता रीना खान और विपिन राठौर की संयुक्त रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। इस वक्त हम खड़े हैं गांधी पार्क चौराहे पर और आज हम एक अलग सी खबर या एक मिशन के लिए निकल चुके हैं। जैसे कि सरकार की पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्वनिधि एक योजना थी, जिसके माध्यम से जो 3 महीने के लॉकडाउन में अपनी आजीविका को खो चुके हैं ठेले वाले, खोमचे वाले, पटरी वाले, आखिर किस तरीके से अब वो लॉकडाउन खुल गया है, वो किस तरीके से अपना दोबारा से उस बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, दोबारा से वो पटरी पे कैसे आ सकते हैं। सरकार ने इस योजना के माध्यम से हाल ही में जो योजना को लॉन्च किया उस माध्यम से किस तरीके से 10,000 का ऋण दिया जा रहा है, आइए उन्हीं ठेले वालों से पूछते हैं और जानते हैं कि उन्हें आखिर ये ऋण मिला या नहीं मिला। क्या नाम है आपका? जी गुलजार अहमद नाम है मेरा। आप ये जो ठेला लगाते हैं कब से लगाते हैं? काफ़ी टाइम हो गया। कितना समय हो गया? लगभग 1-1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया। नगर निगम में इसका रजिस्ट्रेशन है? नहीं। नहीं है? नहीं। तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है एक आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना है, जिसके माध्यम से आप लोगों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, मिल रहे हैं आपको? नहीं, अभी नहीं। आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा ना? जी जी करा लेंगे। पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर सरकार की ये योजना है जिसमें 10,000 का ऋण दिया जा रहा है, आखिर इन ठेले वालों को मिला या नहीं मिला। क्या नाम है आपका? ये प्रमोद गुप्ता। चाचा ये बताइए, आप जो ठेला लगाते हैं कब से लगाते हैं? ये करीबन मेरे को हो गए 15 साल। 15 साल हो गए। कहाँ लगाते हैं आप ये? यही लगाता हूँ, चौराहे पर लगाता हूँ, सेवा संस्थान के बगल में लगाता हूँ। ये कौन सा चौराहा है? इसको गांधी पार्क चौराहा बोलते हैं। जैसा कि आप पिछले 3 महीने से लॉकडाउन चलता लॉकडाउन लगा था, हाँ। तो आपने अपने घर का भरण पोषण कैसे किया? तो मैं गली गलियों में बेचे थे, रोड पर तो पुलिस वाले लगने नहीं देते ठेले, तो गलियों में वही 100-200 पैदा हो जाते थे, उसी से चलाया। आपको पता है कि सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके माध्यम से 10,000 रुपये का धनराशि आपको मिला? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो अब तो रजिस्ट्रेशन कर नहीं रहे हैं और पहले रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया, तो बता रहे जिनका रजिस्ट्रेशन है उनका ही फॉर्म मिल रहा, उनको ही फॉर्म मिल रहा, इस वजह से नहीं गए। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो रजिस्ट्रेशन के लिए अभी मैंने कर दिया। गए थे आप वहाँ? मैंने क्या कह दिया? बोल दिया अभी नहीं बन रहे हैं, मतलब अभी नहीं बन रहे। हाँ, और बगैर रजिस्ट्रेशन के वो होगा नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो आप चाहते हैं कि आपका ये जो काम है थोड़ा बड़े लेवल पर जाए? हर कोई चाहता है मैम, ये इस बात को तो हर कोई चाहेगा। आई कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और ठेले खोमचे वालों से, कि आखिर सरकार की जो योजना है उनसे इन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं। क्या नाम है आपका? आप ये जो ठेला लगाते हैं कब से लगाते हैं? हमको तो बहुत साले हो गई। कितनी साले हो गई? कम से कम 30 साल करीब हो गए। आपका रजिस्ट्रेशन है नगर निगम? नहीं नहीं सर। नहीं है। तो सरकार की एक योजना है पीएम स्ट्रीट, जिसके माध्यम से जो पिछले 3 महीने से लॉकडाउन में जो, उसकी जानकारी है आपको? हमको जानकारी नहीं है सर। तो जैसे कि लॉकडाउन चला, आपने अपने परिवार का भरण पोषण कैसे किया? अब जो सरकार ने दिया है उससे ही खाना पीना पालन कर रहा है अपना, मोदी सरकार का जो मिला है भाई, खाना पीना करा है अपना।
अब ये चालू हो गया है तो ठेला चालू कर लिया अपना। 3 महीने? हाँ। तो एक सरकार की योजना आई है, जैसे कि जो ठेले खोमचे वाले हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि समाज के रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल टूट से चुके हैं, उन्हें दोबारा से खड़े करने के लिए अपने पाप पर, क्या उन्हें 10,000 का लोन दिया जा रहा है, आपको इसकी जानकारी है? नहीं, जानकारी हमको नहीं है सर, किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है, नगर निगम से भी कोई सूचना नहीं है? नहीं सर। तो आप वो लोन लेना चाहते हैं? मिल जाएगी तो ले लेंगे, अपना धंधा करेंगे, और बड़ा धंधा कर लेंगे इससे, अभी छोटा धंधा कर रहे हैं और बड़ा धंधा कर लेंगे, फल फ्रूट का काम करेंगे अपने। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो आपको कैसे मिल जाएगा? अरे तब अब हमको जानकारी नहीं है, जब बनेगा जब ही तो बनवा लेंगे रजिस्ट्रेशन, पहले तो वो लगते थे बिल्ली लगते थे, लाइसेंस बनता था पहले, अब वो लाइसेंस भी नहीं बनना बंद हो गए हैं, पहले 150 रुपये में लाइसेंस बनता था हर एक साल का, एक साल बाद लाइसेंस बनता था, अब वो भी बनना बंद हो गए। वो भी बंद? कहाँ से बनता था? नगर पालिका था। किस तरीके से आपने देखा कि कुछ ठेले खोमचे वालों को तो जानकारी नहीं है, जिससे कि उनका सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके, और भी ऐसे यहाँ ठेले खोमचे वाले हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें सरकार की इस योजना का लाभ मिला है यानी, या उन्हें इस योजना की जानकारी है भी या नहीं। क्या नाम है अंकल आपका? राजेश कुमार। आप ये जो ठेला लगाते हैं कहाँ लगाते हैं? हम लगाते हैं संत के मोड़ पे। कहाँ? ये यहाँ के वो है ना सैयद, सैयद वहाँ लगाते हैं। तो कितने सालों से लगा रहे हैं ठेला? लगा रहे हैं 35-36 साल से। 35-36 साल। आपका नगर निगम में कोई रजिस्ट्रेशन है? तो आप सरकार की एक योजना है पीएम स्ट्रीट योजना, उसकी जानकारी है आपको? सुना तो 10,000 मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है। हाँ गया था मैं, फॉर्म भी मैंने भरा था, और जो 500 महीने मिल रहे थे मोदी योजना के, उसके लिए भी मैंने कागज जमा किए, लेकिन कोई नहीं। वो ये कह रहे थे कागज दे गए ठीक है पहुँच जाएंगे, वो मैसेज पहुँच जाने वाला, लेकिन हमें कोई मैसेज आया नहीं है और न कोई घबराई कैसी भी आती, तो हम एंट्री करा लेते उसमें, पैसे आए नहीं आए हमारे। जो 10,000 का लोन दिया जा रहा है उसमें आपने फॉर्म भरा? उसमें फॉर्म भरा मैंने। नहीं भरा? नगर निगम गए आप? हाँ गए थे। ऐसे ही और लोग हैं और ठेले वाले हैं, हम उनसे जानते हैं कि सरकार की योजना का उन्हें लाभ मिला या नहीं मिला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डू। आप ये जो ठेला लगाते हैं चाचा, कब से लगाते हैं? 6-7 महीने करीब हो। 6-7 महीने हो गए। जैसे कि सरकार की एक योजना है जिसमें 10,000 का लोन दिया जा रहा है, तो आपको पता है उस योजना के बारे में? हमको नहीं पता। तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराया आपने इसका? अभी नहीं। नहीं कराया तो आप लेना चाहते हैं उस पैसे को? मिल जाए तो बढ़िया हुआ, तो काम कर लेंगे। तो इसके लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो नगर निगम में जाना पड़ेगा आपको? जाना पड़ेगा। तो फिर आप लोग दोबारा से इस बिजनेस को स्टेबल करना, खड़ा करना चाहते हैं अपने और ज़्यादा बड़ा? मिल जाए तो खड़े हो जाएंगे ज़्यादा। चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? विपिन सिंह। आप ये जो ठेला लगाते हैं कब से लगाते हैं? करीब हो गई 7-8 साल। आपका रजिस्ट्रेशन है नगर निगम में? नहीं नहीं है। पहले बिल्ला लगते थे। आपको पता है कि सरकार की एक योजना है जिससे 10,000 का लोन मिल रहा है? हाँ पता है। कैसे पता चला आपको? बोर्ड लगा और दे रहे थे। अच्छा बोर्ड लगाए? तो आपने पिछले लॉकडाउन में 3 महीने में जो आपका पूंजी थी वो तो खा लिया है, अब किस तरीके से अपना दोबारा से चला रहे हैं? ये ठेले लगा रहे हैं बस, उसे 100-150 रुपये बच जाते हैं, इसी से चला रहे हैं। तो आपने जो सरकार की एक योजना है उसका लाभ लिया? नहीं कोई लाभ नहीं लिया। रजिस्ट्रेशन कराया आपने? ठेले का रजिस्टर था ही नहीं, बिल्ला लगते थे पहले नगम निगम के, बिल्ले लगते थे और आप कुछ नहीं है? और कुछ नहीं है। आपने नहीं कराया या वहाँ हुआ ही नहीं? किसी का भी नहीं हुआ। किसी का भी नहीं हुआ? तो जो 10,000 का लोन है फिर वो आपको कैसे मिलेगा? वो बताते हैं कोई के ये आधार कार्ड जमा करें, बैंक की पासबुक जमा करें, और वो परिवार पत्र बनवाएं, वो जमा करें तब मिलेगा। आप ये जो ठेला लगाते हैं कब से लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं? हम तो यहीं लगाते हैं। कहाँ? स्वर्णगर में। कब से लगाते हैं? 15 साल से। पंद्रह साल से। आपका रजिस्ट्रेशन है नगर निगम में? नहीं अभी बना है।
अभी करा लिया है। हाँ जी, आपको पता है एक योजना आई है सरकार की जिसमें 10,000 का लोन मिल रहा है, तो वो सुनी है मैंने। आपने उसमें फार्म भरा? हाँ भर दिया। कितने दिन हो गए फार्म भरे? हो रहे 15-20 दिन करीब। तो पैसा आया उसका खाते में? अभी तो मैंने चेक नहीं भी किया। चेक नहीं किया, तो कितनी बार आप गए थे वहाँ? अभी हम 2-3 बार गए थे बस। तो पैसा नहीं आया आपका? अभी मालूम नहीं है, आया नहीं है। आया नहीं है, क्या बोल देते हैं वहाँ? नहीं कुछ नहीं बोलते, अभी हम गए ही नहीं है। अभी आपने अपने खाते में चेक नहीं? खाते में नहीं, चेक नहीं किया। खाते में चेक नहीं किया। कोई मैसेज वगैरह नहीं आया आपके फोन? नहीं, वो मैसेज में पैसे ही भी नहीं है हमारे में, दूसरे में। आप क्या काम करते हैं? मैं फल का ही काम करता हूँ सर। कब से कर रहे हैं? ये मैं 8-10 साल हो गए सर। ये जो फल आप बेचते हैं कैसे बेचते हो, कहाँ बेचते हैं? मंडी से लाके गलियों में बेचता हूँ सर मैं। आपका नगर निगम में कोई रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन था, मैं नगर निगम भी गया, वहाँ मेरी सुनवाई नहीं, वो रजिस्ट्रेशन पर्ची मेरी सर खो गई मेरे से। अभी आपको पता है अभी सरकार की ये योजना आई है जिसमें 10,000 का लोन मिल रहा है? हाँ हाँ। पता है आपको? हाँ पता है। आपने इसमें फार्म डाला? मैंने जी नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं, इसलिए नहीं डाला था, उसमें बता रहे थे ये भरे जाएंगे, तो मैंने कही जब मुझे मंडी से ही माल उधार मिलता है तो मुझे ज़रूरत क्या है वहाँ से पैसे लेके फिर मतलब वहाँ भी भरूँ, मुझे डबल खर्चा नहीं करना था, इसलिए मैंने फॉर्म नहीं डाला था। किस तरीके से हमने दिखाया इन ठेले वालों का दर्द। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ फिर एक नई खबर के साथ। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, वॉइस टीवी फिरोजाबाद।